दोस्तों आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में कक्षा 10वीं संस्कृत का जो आज एग्जाम हुआ है उसका आंसर देखने वाले हैं, जो कि आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इससे जो है आप लोग ये मिलान लगाकर ये पता लगा सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ है और आपका कितना गलत हो चुका है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आप जो है हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो है क्वेश्चन बुकलेट है, तो इसको जो है आप लोग मिलान करते जाइएगा अपने क्वेश्चन बुकलेट में। देखिए सबसे पहला दोस्तों अपठित जो है अवबोधनम से दिया गया, खंड क से। ठीक है, तो इसमें आपका जो दिया गया ना उसको आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, तो देखिए इसका मैं आंसर बताते जाऊंगा। तो देखिए एक का आपका जो है जाएगा यहां पे एक नंबर हो जाएगा। ठीक है, एक का जो है आपका एक नंबर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका दूसरा नंबर देखें तो दूसरा नंबर यहां पे देख सकते हैं, क से समर्पित ऋण नाम नागच्छित तो क्या हो जाएगा, वैदस्य। ठीक है, तीन नंबर हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि गुजर प्रांत ग्रामे किम आसीत, तो इसका हो जाएगा गुरुकुलम। ठीक है, यानी कहता है गुजरात प्रांत जो है किसके नजदीक में है, कौन से गांव के नजदीक में, तो गुरुकुल गांव के नजदीक में है। उसके बाद वैदराज कस्य अंकन है, तो उसके बाद रहस्यम आसित हो जाएगा, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स वाला है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं स्वास्थ्य अति पदन विलोम पदन, तो इसका का जो हो जाएगा स्वास्थ्य का उल्टा होता है बीमार, तो यानी बीमार को हम लोग संस्कृत में पढ़ते हैं रुग्णन। ठीक है, ये वाला आपका तीन नंबर हो जाएगा पांच का। उसके बाद दोस्तों खंड ख से है आपका जो है व्याकरण से दिया गया है। ठीक है, इसमें कहता है कि गायक का जो है आपका संधि विच्छेद होगा, गायक का संधि विच्छेद होता है गय प्लस अकह, तो जो कि ऑप्शन नंबर तीन में दिया हुआ है। सातवां नंबर कहता है कि धन विना जीवन विन अव्यर्थ, तो इसका व्यर्थ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा व्यर्थम। ठीक है, उसके बाद आठवां नंबर कहता है वट जो छाया, तो वट छाया का क्या होता है संधि संधि करना है, तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए यह हो जाएगा वट छाया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा वट छाया हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ जो दिया गया नौ नंबर कहता है कि प्रयोग का संगम का जो है संधि विच्छेद करना है, तो संगम का होता है सम जोड़ गम, सम जोड़ गम संगम हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला चौथा नंबर आपका सही हो जाएगा। तो आप लोग जो है इस प्रकार से हम लोग देख पा रहे हैं कि आप लोगों का कितना सही हो पा रहा है कितना गलत हो पा रहा है। नीचे जो है आप लोग कॉमेंट करके भी बताएंगे कि आपने कितना सही किया कितना गलत किया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दसवां का जो है आप लोगों का ये तीन नंबर हो जाएगा, जिसमें क्या कहता है पार्वती चह शंकर, तो पार्वती चह शंकर चह हो जाएगा, तो ये पार्वती शंकर हो जाएगा, ये तीन नंबर। ग्यारह नंबर यहाँ पे दिया है कर्म कुशल का, कर्म कुशल का हो जाएगा कर्मे कुशल कुशल, ये वाला हो जाएगा आपका चौथा हो जाएगा। बारह नंबर कहता है कि राम श्यामो, राम श्यामो मित्र सतह, तो राम श्यामो का जो है समास विग्रह करना है, तो राम च श्याम च हो जाएगा, ये वाला एक नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो है ना, ये वाला और ये वाला दोनों एक ही है। ठीक है, ये वाला ध्यान दीजिए, दस नंबर और बारह नंबर एक ही है, सिर्फ वाक्य को चेंज किया गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों तेरह नंबर में देखिए, तेरह नंबर में कहता है शनेशय का दिया गया, तो शनेशय का हो जाएगा सहितम, ये वाला मैंने मॉर्निंग में आप लोगों को बताया था। ठीक है, और ये वाला आया है, तो देखिए चौदह नंबर यहाँ पे आपका क्या दिया है, तो इसका कहता है अव्यय पद बताइए, तो यहाँ पे तत्र हो जाएगा, यहाँ पे आपको क्या भराएगा तत्र भराएगा। ठीक है, चलिए पंद्रह नंबर देखें, तो पंद्रह नंबर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कह रहा है सह मम प्रथम तेज का हो जाएगा सह बही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बही भरा जाएगा। उसके बाद दोस्तों सोलह नंबर, सोलह नंबर का यहाँ पे वीना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दो में है, ये आपका सही हो जाएगा। मम भराता, तो मम भराता क्या हो जाएगा हम और भाई भी, तो भाई भी का क्या होता है अपी होता है, तो यहाँ पे अपी भराएगा एक नंबर। ठीक है, अठारह नंबर का क्या हो जाएगा, अठारह नंबर का दो हो जाएगा दृश्य जोर अनिरम, तो यह दृश्यम हो जाएगा। ठीक है, ये दो नंबर हो जाएगा। 19 का दोस्तों आपका ये तीन नंबर हो जाएगा, देखिए 19 का ये वाला हो जाएगा तीन नंबर हो जाएगा दीर्घतम, यहाँ पे दीर्घ जोर तमम दिया है, तो इसका संयोजन लिखना है, तो दीर्घतम हो जाएगा, ये तीसरा नंबर हो जाएगा। 20 नंबर का जो एक नंबर हो जाएगा आचार्य टाप, आचार्य प्लस टाप, ये हो जाएगा आचार्य। ठीक है, तो ये 20 नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 11 नंबर सॉरी 21 नंबर देखें, तो 21 नंबर में यहाँ पे जो दिया गया है जो कि पट अवबोधनम से है, खंड गौ से है, इसका दोस्तों यहाँ पे कहता है कि दूषित किम आसी, तो यहाँ पे जाएगा वायुमंडलम, ये वाला हो जाएगा। 21 का दो हो जाएगा, 22 का आप लोगों का दोस्तों दो हो जाएगा। उसके बाद 23 का है जल कृदस नासित, इसका हो जाएगा निर्लयम। ठीक है, ये आपका जो है 23 का एक नंबर हो जाएगा, 23 का एक नंबर आपको टिक लगाना है। 24 में कहता है कि कवि कुत नेतुन इच्छाती, तो इसका हो जाएगा नगरात। ठीक है, क्या हो जाएगा नगरात हो जाएगा, ये आपका एक नंबर हो जाएगा 24 का। 25 में देखिए दोस्तों 25 का जो है ना ये हो जाएगा आपका पर्वते हो जाएगा, 25 का क्या होगा पर्वते लिखना है। ठीक है, 26 का आपका एक नंबर हो जाएगा बुद्धिमती, 27 का दोस्तों आपका चौथा हो जाएगा चपेटिया। ठीक है, चपेटिया हो जाएगा। उसके बाद 28 का कहता है सिंगाल कृदस आसित, ये वाला मैंने मॉर्निंग बताया था, तो इसका आंसर आपका दो नंबर हो जाएगा धूर्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए
29 नंबर देखें दोस्तों, यहाँ पे जो दिया गया है ना कहता ग्राम से किम नाम आसित ग्रामन क्या क्या हो जाएगा, देउला हो जाएगा ये वाला तीसरा नंबर। उसके बाद कहता है तो अति पदे कह मूल शब्द आसित, मूल शब्द क्या हो जाएगा युष्मद हो जाएगा ये वाला, एक नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कहता व्याम के हम पथ ये जो है भवती, तो इसका आंसर जाएगा एक नंबर सिंह सिंह धबो जिनियाम, तो ये वाला आपका एक नंबर दो नंबर जो है सही हो जाएगा। 32 नंबर का दोस्तों आपका ये हो जाएगा श्रेदम, ठीक है 32 का आपका श्रेदम हो जाएगा तीन नंबर। उसके बाद दोस्तों जरा शब्द का अति दिया हो जाएगा तो ये हो जाएगा ये वार्धक्यम हो जाएगा आपका तीन नंबर हो जाएगा, ठीक है 33 का आपका तीन नंबर सही होगा। 34 का आपका देखिए एक नंबर हो जाएगा आरोग्यम, आरोग्यम हो जाएगा ठीक है, तो ये वाला जगह कहता है व्यायाम के बिना जो है क्या चीज़ हो जाता, तो ये आरोग्यम हो जाएगा तो आपका जो 34 हो जाएगा। 35 नंबर कहता है कि सीते वंशते च व्यायाम कृत समृद्धि, इसका हो जाएगा पथ ये पथ्यतम, तो ये वाला चौथा नंबर हो जाएगा। 36 का दोस्तों आपका चार नंबर हो जाएगा जननी, ठीक है 37 का आपका जो है एक नंबर हो जाएगा दुर्बले, 38 का हो जाएगा प्रवसह हो जाएगा, प्रवसह हो जाएगा आपका ठीक है पर वर्षह हो जाएगा आपका या दो नंबर में। 39 नंबर है दोस्तों यहाँ पे देखिए कहता है कि बाढ़ से जो है क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो बाढ़ का जो प्रयुक्त शब्द है ठीक है, तो प्रयुक्त शब्द में हो जाएगा जलोपलिव हो जाएगा ये वाला तीन नंबर हो जाएगा। 40 का दोस्तों आपका संपत्ति सप्तमी हो जाएगा ये एक नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों इस जो वीडियो से जो है आप लोग ये मालूम कर सकते हैं कि आपने जो है कितना आंसर सही किया और कितना गलत किया है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, क्योंकि दोस्तों व्हाट्सएप में जो है कई सारे बच्चे कमेंट कर चुके हैं, कई सारे बच्चे मुझे पूछ चुके हैं कि सर आंसर कब दीजिएगा। तो देखो दोस्तों फाइनली आंसर आ चुका है, आप लोग जो है अब मिलान कर लीजिए ठीक है। और दोस्तों इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे भी जो है मैं आप लोगों को इसी प्रकार से जो है वीडियो ला के देते रहूँगा ठीक है। तो इसलिए दोस्तों चैनल को जरूर सपोर्ट करिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।